गोंडा के टाउन हॉल में आयोजित दो दिवसीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय सम्मेलन में योगेश त्यागी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री नरेश कुमार कौशिक निर्विरोध बने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मुरादाबाद से रविन्द्र पाल सिंह, गौतम बुद्ध नगर से संतोष पाल, मथुरा से देवेंद्र शाश्वत, अलीगढ़ से विमल कुमार चौहान, वाराणसी से रविन्द्र कुमार सिंह, भदोही से मनिक चंद्र यादव, इटावा से गौरव पाठक, बहराइच से एम सिराजुद्दीन न्यूटन बनाए गए। आरक्षित उपाध्यक्ष अनंत कुमार हरदोई से, उपाध्यक्ष महानगर प्रतिमा वाराणसी से, उपाध्यक्ष महिला सीमा सिंह प्रयागराज से, मंत्री अनिल कुमार सुल्तानपुर से, संयुक्त मंत्री भूपेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव बहराइच से, योगेंद्र प्रताप सिंह सुल्तानपुर, विश्वपाल सिंह बिजनौर से, इंद्र नारायण सिंह कन्नौज से, श्री निवास शर्मा कुशीनगर, कमलदानी सिंह संयुक्त मंत्री, सुशील कुमार गोंडा कोषाध्यक्ष, सुरेश कुमार सिंह गोंडा लेखाकार, राजेश शुक्ला गोंडा आय व्यय निरीक्षक, राकेश गौतम चुने गए। सह पर्यवेक्षक राम अकबाल द्विवेदी, मुख्य पर्यवेक्षक राधाकृष्ण पाठक ने पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। तीन दिवसीय अधिवेशन था, 21, 22 और 23, जिसमें तीनों दिन का अवकाश स्वीकृत शासन द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में कल खुला अधिवेशन था, जिसमें हमने हमारे अतिथि, जितने भी अतिथि थे, सभी को आए, उनका स्वागत वंदन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी थे, लेकिन संयोगवश उनका निर्वाचन था कुश्ती संघ का, उसकी वजह से उनका आना नहीं हो पाया। हमने मुख्य अतिथि आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी MLC साहब को बनाया और सभा अध्यक्षता रविंद्र कुमार पांडे जी ने, प्राचार्य जी ने किया, और हमारा अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें माननीय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी, आदरणीय पलटू राम जी, आदरणीय प्रभात कुमार वर्मा जी, आदरणीय अजय कुमार सिंह जी और आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान घनश्याम मिश्रा जी हमारे कार्यक्रम में पधारे। हमारे विभाग के सभी अधिकारी, आदरणीय एडी बेसिक साहब, आदरणीय प्राचार्य डायट, आप लोगों का आगमन हुआ और उनके उपस्थिति में ये कार्यक्रम, निर्वाचन प्रक्रिया और अधिवेशन प्रारंभ किया गया। पूरे 75 प्रदेश के 75 जनपदों से लोगों ने प्रतिभाग किया। सभी लोगों के आवास की व्यवस्था थी। विज्ञान परिसर, LBS कॉलेज के विज्ञान परिसर में वहाँ वो लोग रुके हुए थे। आज सभी लोगों को भेजा जा रहा है ससम्मान, और निर्वाचन में सकुशल संपन्न हो गया, जिसमें श्रीमान योगेश त्यागी जी पुनः प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं निर्विरोध, और उनके साथ कौशिक जी महामंत्री बने हैं, और उनके साथ हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय सुरेश कुमार सिंह जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, हमारे इस जनपद से सुशील कुमार जी प्रांतीय संयुक्त मंत्री हैं, और हमारे बगल में बैठे हुए राजेश कुमार शुक्ला जी ये प्रांतीय लेखाकार बनाए गए हैं, और जितने भी लोग चुने गए हैं निर्विरोध रूप से, एक कार्यकारिणी तैयार हुई है, जिसके प्रति हम सभी के प्रति शुभकामनाएं देते हैं, और जो प्रदेश से के कोने कोने से लोग आए थे उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार हमारा कल ही अधिवेशन सम्पन्न हो गया। आज हम उन लोगों को विदा कर रहे हैं। इसी के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का सभी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप हमारे बगल प्रांतीय निर्वाचन में प्रांतीय कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, आप उनसे यह पर्ची देते बताएं, आपको दोबारा प्रांतीय में कोषाध्यक्ष पद पे चुना गया है, कैसा लग रहा है और कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा, दोबारा चुना गया, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष जी की बहुत मेहनत है, इनका आशीर्वाद है, इसीलिए दोबारा चुने गए हैं। और हमारी एक निर्विरोध कार्यकारिणी चुनी गई है, कार्यकारिणी में श्री योगेश त्यागी जी प्रदेश अध्यक्ष, रविंद्र पाल सिंह मुराद और संतोष कुमार, देवेंद्र सारस्वत, विमल कुमार चौहान, रविंद्र कुमार सिंह, मानिक चंद यादव, गौरव पाठक, एक्स राजू न्यूटन,
ये उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, श्री अनंत कुमार ये है उपाध्यक्ष आरक्षित है, कुमारी प्रतिमा उपाध्यक्ष महानगर चुनी गई हैं, महिला उपाध्यक्ष में श्रीमती सीमा सिंह चुनी गई हैं। श्री नरेश कुमार कौशिक जी, मंत्री पद पर अनिल कुमार एवं संयुक्त मंत्री पर भूपेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, योगेंद्र कुमार सिंह, विश्वपाल सिंह, इंद्रनारायण सिंह, श्रीनिवास शर्मा, श्री कलमदानी सिंह। मंत्री आरक्षित पर सुशील कुमार जी जो हमारे जनपद के हैं उनका निर्वाचन हुआ है। कोषाध्यक्ष पर हमारा ही सुरेश कुमार सिंह का निर्वाचन हुआ है। लेखाकार में हमारे ही जिले के श्री राजेश कुमार शुक्ला का निर्वाचन हुआ है। आय व्यय निरीक्षण पर श्री राकेश कुमार गौतम जी का चुनाव हुआ है। और जानकर आपको हर्ष होगा कि हम दोबारा जनपद के कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। शिक्षकों की जो भी समस्याएं होंगी, जैसे वो पुरानी पेंशन है और वो फेस अटेंडेंस है, इसके लिए हम लोग जो लड़ाई करेंगे और शासन प्रशासन में पूरा हमारे संघ का पूरा लड़ाई होगी।